पूरी दुनिया में अगर रैबिट मीट की बात करें तो करीबन 18 लाख टन रैबिट मीट जो है वो प्रोड्यूस होता है। पाकिस्तान में अभी रैबिट मीट का उतना पोटेंशियल नहीं आ सका। रैबिट का मीट है, इसकी प्रोटीन ऐसी है कि जो हाजमे को बहुत अच्छी है। ये रैबिट मीट ऐसा है जिसमें सबसे कम फैट और सबसे कम कोलेस्ट्रॉल है, कि इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत अच्छी रेशो के अंदर है, जो हमारे दिल के लिए अच्छा है। किसी एक विलेज को हम एज ए रोल मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं और उनको हम ये प्रोवाइड कर सकते हैं कि लोग 4-4 मुर्गियां भी पालते हैं, तो उनकी जगह पे अगर वो ये रैबिट पालें और फिर उसकी बाई प्रोडक्ट्स की भी बात की जा सकती है, उसके मीट की, वहीं पर वो पका के खिलाया जाए। मीट के हवाले से जो सबसे ज़्यादा अच्छा है वो न्यूजीलैंड वाइट है। ये हर मौसम में सर्वाइव कर जाता है और वेट जल्दी गेन कर जाता है। नाज़रीन, पाकिस्तान गोश्त पैदा करने वाले ममालक में 15वें नंबर पर है और हम तकरीबन 54 लाख टन गोश्त सालाना पैदा करते हैं और ये सारा गोश्त हम खुद ही खा जाते हैं। हमारी एक्सपोर्ट बिल्कुल ज़ीरो है। अगर हम देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपके लिए होगी कि जिस तरह एक बछड़े को 1 किलोग्राम गोश्त पैदा करने के लिए जितना हम पानी यूज़ करते हैं, जितना फॉडर यूज़ करते हैं, जितनी इन्वायरमेंटल कॉस्ट आती है, इसी कॉस्ट में रैबिट का तकरीबन 6 किलोग्राम गोश्त जो है वो पैदा किया जा सकता है। पूरी दुनिया में अगर रैबिट मीट की बात करें तो करीबन 18 लाख टन रैबिट मीट जो है वो प्रोड्यूस होता है, जिसमें 8 लाख टन जो रैबिट मीट है सिर्फ चाइना प्रोड्यूस करता है और इसको चाइना खाता भी है। सेकंड नंबर पे ताइवान आता है, फिर स्पेन और बाकी मुल्कों का नंबर भी इसी तरह आ रहा है। पाकिस्तान में अगर रैबिट मीट की बात करें तो पाकिस्तान में अभी रैबिट मीट का उतना पोटेंशियल नहीं आ सका। हमारा फार्मर जो है उसके पास फसलें भी हैं, उसके पास सब्जियों की वेस्ट भी है, जिसको यूज़ करके वो बेहतरीन रैबिट फार्मिंग करके अपने फार्म की इनकम को बढ़ा सकता है। आज इसी टॉपिक पे बात करने के लिए आए हुए चकवाल में, यहाँ पे एडी रैबिट फार्म है। कुछ एक्सपर्ट्स भी आपके मिलाएंगे और आपको रैबिट फार्म का विजिट भी कराएंगे, तो आइए चलते हैं। मेरे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर शिदात बसर साहब। हम इनसे जानेंगे डॉक्टर साहब के जो मीट है पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सोर्स प्रोटीन का समझा जाता है, ये क्यों ज़रूरी है खाना, खुराक में गोश्त की कितनी इम्पोर्टेंस है? जो इंसानी जिस्म है वो बालों से लेके आपकी जिल्द, गोश्त, इवन जो नाखून तक भी है वो प्रोटीन के तो बने हैं। तो पूरा जिस्म हमारा प्रोटीन का बना है और इसके अंदर भी जितने एंजाइम हैं जो खुराक हज़म करते हैं, बीमारियों से बचाने वाले कंपाउंड हैं, वो भी सारे प्रोटीन हैं। तो प्रोटीन हर रोज़ हमें ताज़ा चाहिए, एक तो जिस्म बनाने के लिए, फिर जिस्म को चलाने के लिए। बिल्कुल ठीक। तो हमारी गोश्त में एक नॉर्मल इंसान जो है ना, वो उसको आम जो हमारा नॉर्मल एक कद बुद का बंदा है, उसको 50 से लेके 70 ग्राम कम अज़ कम, आमतौर पे कहा जाता है कि जितना उसका किलोग्राम वज़न है उतने ग्राम तो रोज़ प्रोटीन खाए। बिल्कुल ठीक। एथलीट्स हैं उनको ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्रोटीन की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना। अब हम बात करेंगे कि हेल्दी मीट जो है इसको किस तरह हम डिफरेंशिएट करें। देखिए, हेल्दी मीट एक तो ये कि मीट सारे का सारा ही हेल्दी है, जो हलाल है सारे। अब उसमें फ़र्क क्या आ जाता है कि कुछ उसमें रेड मीट आते हैं, कुछ वाइट मीट आते हैं। ये पहले बहुत बड़ी मिथ चलती थी कि जो रेड मीट है वो आपके कोलेस्ट्रोल का और आपके दिल के अमराज का बायस बन सकता है, लेकिन वो भी रिसर्च ने अब उसको साबित कर दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं है। जो रेड मीट है ना वो भी बहुत हेल्दी है और उसके साथ जो चर्बी है वो भी हेल्दी है। हाँ, अगर किसी शख्स के जैसे उसके यूरिन के अंदर से प्रोटीन आ रही है या किसी के जिस्म के अंदर यूरिक एसिड का मसला है, उसको आप रेड मीट फिर थोड़ा वक्ती तौर पे मना करते हैं, वगरना सारे खा सकते हैं। लेकिन जो वाइट मीट है, वाइट मीट जो है ना वो सबके लिए सेफ है, वो सब लोग खा सकते हैं। खा कोई बीमार है, बड़ी उम्र का है या यंग है, एथलीट है, वाइट मीट सब खा सकते हैं। तो ये सारे हेल्दी हैं और इसमें प्रोटीन के अलावा आपको विटामिन्स भी मिलते हैं, आपको हेल्दी जो फैट्स है ना वो भी मिलती हैं, इवन मिनरल्स भी आपको गोश्त से मिलते हैं।
तो गोश्त का मतलब खाने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ प्रोटीन ही मिलनी है। दरअसल इसमें जैसे रैबिट मीट अब दुनिया में एक बड़ा एक फेमस हो रहा है, पाकिस्तान में भी इसका पोटेंशियल हो रहा है, तो एज कम्पेयर टू अदर मीट क्या समझते हैं दोनों में कितना फर्क है? जो पहली चीज़ है ना जो खास तौर पे देखने वाली है वो ये है कि लोगों को रिजर्वेशन है अब मटन और बीफ के ऊपर भी कि उन्हें वंडा बहुत ज़्यादा डाला जाता है, फ्री रेंज नहीं है, घास चरने वाले नहीं है, कि जो जो जानवर घास चरते हैं उनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़्यादा अच्छा है जो दिल के लिए अच्छा है, लेकिन जो जानवर सिर्फ वंडा खाते हैं यानी दाने खाते हैं उसके अंदर ओमेगा 6 फैटी एसिड की रेशो ज़्यादा हो जाती है, वो फिर ये जो जोड़ों के दर्द आजकल हो रहे हैं फिर दिल के अमराज भी सारे उसको कंट्रीब्यूट करते हैं, ये बहुत बड़ा इशू है। और दूसरा जो हमारा चिकन है, चिकन में अब बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन है कि एक तो उसकी सिलेक्शन में ब्रीड ऐसी बना दी है कि वो थोड़े दिनों में चूंकि तैयार होता है उसको केज रखते हैं और उसको सारी की सारी जो फीड है वो फैब्रिकेटेड फीड जो आर्टिफिशियल फीड जो ना वो दी जाती है। ये अब ये अलहदा डिबेट है कि वो ठीक है या नहीं ठीक। अब लोगों का ये है कि चूंकि उन्हें बीमारी से बचाने के लिए एंटीबायोटिक भी बहुत ज़्यादा दिए जाते हैं और खास से लोगों के जहन में ये क्वेश्चन होते हैं, उसके मुकाबले में जो रैबिट का मीट है एक तो ये वाइट मीट है, दूसरा इसके अंदर ये है कि आप ये देखें कि ये खाते क्या है, ये चारा खाते हैं, खा ये बाहर है या केज के अंदर है इनकी ज्यादा खुराक ही चारा है और इसकी टोटल खुराक का सिर्फ 10% ज्यादा इन्हें वंडा या दाने दिए जाते हैं। एक तो इनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज्यादा होता है, जो गोश्त के लिए रैबिट तैयार होते हैं वो आमतौर पर 2 माह के होते हैं और वो 2 माह अपनी माँ का ही दूध पीते हैं, यानी वो कोई भी फीड नहीं खाते, कोई भी आर्टिफिशियल फीड नहीं खा रहे, यानी कुदरती, उससे अच्छा क्या होगा कि माँ ने चारा खाया और जो बच्चा है वो उसके माँ के उस दूध के ऊपर वो पल गया, तो ये तो बड़ा आइडियल है, तो उसका गोश्त क्यों ना अच्छा होगा, तो उसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड भी बहुत ज़्यादा है और बेहतरीन है। फिर अगली बात ये है कि जो रैबिट का मीट है इसकी प्रोटीन ऐसी है कि जो हाजमे को बहुत अच्छी है, यानी कि जो बुजुर्ग लोग हैं, आम लोग हैं, आजकल ज्यादातर लोग ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, आईबीएस के पेशेंट है, तो वो रेड मीट या दूसरा उन्हें डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है, तो ये जो रैबिट मीट है ये डाइजेशन में भी बहुत आसान है। इसके अलावा फिर जो रैबिट मीट है ये इनके अलावा आपको ये मिनरल्स भी तो दे रहा है, खासतौर पर आयरन, अच्छा जहाँ विटामिन बी कम्प्लेक्स भी इसके अंदर ज्यादा है और आयरन भी ज्यादा है, तो जो लोग अनिमक हैं और जिनकी टांगों का मसला है, टांगों में दर्द होती है, उनके लिए तो ये बड़ा आइडियल गोश्त है कि बहुत अच्छा आयरन मिल जाता है। विटामिन B6 भी, B12 भी और B9, ये तीनों असल में ये बी कम्प्लेक्स क्या करते हैं, बी कम्प्लेक्स ये करते हैं कि जो हम खाना खाते हैं उसको जुज्वे बदन बनाने तक, आम जो लोगों की लैंग्वेज में ये कहूँगा, उसको डाइजेस्ट करने में, मेटाबोलाइज करने में ये बहुत हेल्प करते हैं, तो ये इसके अंदर बड़े रिच है, तो ये बड़ा रिच किस्म का हमारा मीट है। तो कौन सी वजूहत है जिनकी वजह से लोगों को रैबिट मीट खाना चाहिए? अच्छा ये एक बड़ी मजे की चीज है, लोग कोलेस्ट्रॉल से डरते हैं, लोग फैट से डरते हैं, हालांकि वो डरने वाली बात नहीं है, फिर भी चले एक लिमिट तक, ये रैबिट मीट ऐसा है जिसमें सबसे कम फैट और सबसे कम कोलेस्ट्रॉल, यानी इसको ये बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है डॉक्टर साहब के रैबिट मीट के वाले से कि इसमें कोलेस्ट्रॉल और फैट जो बिल्कुल नहीं है इसके अंदर, जी जिसको हम कहते हैं लीन प्रोटीन, ये वो वाली है, और बल्कि एक टर्म बोली जाती है जिसको रैबिट स्टारवेशन कहा जाता है, प्रोटीन टॉक्सिसिटी कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है कि अगर आप खाली खरगोश का गोश्त खाना शुरू कर देंगे, साथ कुछ भी नहीं खाएंगे, तो इसके अंदर फैट है ही नहीं है, इतनी थोड़ी फैट है, तो प्रोटीन ज्यादा होने की वजह से वो आपको टॉक्सिसिटी हो जाती है। लेकिन हम खाली खरगोश का गोश्त तो नहीं खाते ना, हम तो उसको घी के साथ या ऑयल के साथ पका के खाते हैं, सब्जियां साथ खाते हैं, रोटी या चावल खाते हैं, तो वो बैलेंस हो जाता है। तो अगर किसी को ये खदशा है कि उसने मटन या बीफ नहीं लेना, तो उसके अंदर उसको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है या उसको फैट किसी वजह से, जैसे बहुत सारे लोगों का गाल ब्लैडर नहीं है, उनका लिवर प्रॉपर काम नहीं कर रहा, तो उनको फैट इनटेक जो चर्बी या घी या खाने को लोग डॉक्टर मना करते हैं, तो उसके लिए भी आइडियल है कि फिर आप ये खरगोश का गोश्त खाएं, इसके अंदर बहुत ही कम फैट है। इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है? सबसे पहले तो ये प्रोटीन का रिच सोर्स है जैसे सारे गोश्त होते हैं, और दूसरा प्रोटीन जो है ना वो इसका बड़ा ईजीली डाइजेस्टेबल है, तीसरी ये चीज़ कि इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत अच्छी रेशो के अंदर है जो हमारे दिल के लिए अच्छा है,
ओमेगा 6 बहुत कम है, आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है, इवन इसके अंदर आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बहुत अच्छी क्वांटिटी में मिलते हैं। दुनिया में रैबिट मीट को किस तरह लिया जाता है और पाकिस्तान में अभी रैबिट मीट का आप क्या समझ रहे हैं कि क्यों हम इस पे इसका पोटेंशियल क्यों नहीं बन सका अभी? इसमें ना एक दो चीज़ें हैं, ज़्यादातर लोग तो रैबिट को खाते हैं, जैसे ये हमारी जो पट्टी सारी है ना, जो एशियन पट्टी है जिसमें चाइना और कोरिया ये सारी, थाईलैंड, ये तो रैबिट मीट बड़ा खुश होकर खाते हैं, बहुत इनकी प्रोडक्शन भी ज्यादा है और बड़ी हेल्दी कौम है, हेल्दी कौम है जी हाँ। लेकिन जो यूरोपियन और बाकी सारे हैं ना, उनमें से कुछ लोग जो वो पेट के कंसेप्ट से, कि चूंकि ये खूबसूरत जानवर इसको घर में पेट के तौर पे रखते हैं, तो कुछ लोगों का ये कि जो खूबसूरत पेट लाइक जानवर है ना उसको आप ना खाएं, उनका ये है। लेकिन अदरवाइज देखने में खूबसूरती की वजह से नहीं, खूबसूरती अदरवाइज कोई ऐसे नहीं गोश्त की जो इसका जो मीट है ना, जो इसका गोश्त है, उसकी न्यूट्रिशनल बाकी बेनिफिट्स की वजह से कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसा नेगेटिव नहीं है, सिर्फ ये कि खूबसूरत बहुत जानवर है, इतना खूबसूरत जानवर ना का वो कुछ लोग करते हैं। अदरवाइज ये पूरी दुनिया के अंदर रैबिट मीट बड़ा पॉपुलर हो रहा है और पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे इसको बहुत ज़्यादा पिज़्ज़ेरियाँ मिलनी चाहिए, वो अभी नहीं मिली क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, लोगों की मीट रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, और एक तो ये मटन और फिश की तरह महंगा नहीं है, ये आम तौर पे हमें ब्रॉयलर के पास पास ही पड़ेगा। दूसरा है कि इसकी जो प्रोपगेशन है ना, गोश्त तैयार होने की इसकी जो रेशो है, जो इसका टाइम है, वो तो चिकन से भी तेज है, लिहाजा ये इजीली एडजस्ट हो जाएगा और नेचुरल है। स्पेशली रैबिट मीट की कोई डिशेस इस तरह की हो, किस तरह इसको खाया जाए? जो इसकी इंटरेस्टिंग बात है, ये छोटा सा जानवर है, जब आप इसे देखते हैं तो ज़हन में यही आता है कि ये फिश या चिकन की तरह का गोश्त होगा, लेकिन जब इसका गोश्त आता है तो वो मटन की तरह का होता है, कि इसका जो टेक्सचर है, इसका जो स्ट्रक्चर है, वो मटन की तरह है। तो वो मटन तो हमारे लोगों को वैसे ही बड़ा मरगूब है, तो इसको जैसे आप बाकी डिशें बनाते हैं, शुरू में लोग ये था कि सिर्फ इसको जैसे फिंगर फिश या टिक्का बना के ही खाते थे, लेकिन अब तो लोग इसको बिरयानी पुलाव में सब्जी के साथ, जैसे हमारे आम सब्जी गोश्त बनता है, ऐसे बना रहे हैं, तो हमारी जितनी भी डिशेज हैं उसके अंदर इजीली बन रहा है और इसका जो टेस्ट है, अगर किसी को ना बताया जाए कि ये रैबिट का गोश्त है, उसके सामने डिशेज रखी जाए तो वो बड़े मजे से खाएगा, उसके जेन में भी नहीं आएगा ये कि मैं नई चीज खा रहा हूँ, यानी इसका क्वान यूजुअल नहीं है कोई नमकीन टेस्ट हो या थोड़ा और टेस्ट हो, ऐसा कुछ नहीं है, ये बड़ा मजेदार, और बल्कि अक्सर खाने के बाद लोगों का यही होता है कि हमने एक ज्यादा मजेदार गोश्त खाया। जैसे प्रोसेस्ड हमारे बहुत से फूड आते हैं, बहुत सी चीजें आती है, उसमें आप किस तरह गाइड कर सकते हैं कि प्रोसेस्ड फूड में इसको हम मीट को यूज करें? एक जो इसमें और इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि चूंकि इसके अंदर फैट कम है, तो इसको आप ज़्यादा लंबा अरसा इसको आप फ्रीज कर सकते हो, फ्रिज में रख सकते हो, तो एज़ कम्पेयर टू दूसरा जिसके अंदर वो थोड़ी सी उसकी रेंसिडिटी होने के चांसेस होते हैं, इसकी इवन स्टेक्स बन जाते हैं, इसकी इवन पैटीज बन जाती हैं, इसकी जैसे फिंगर फिश की तरह आप बनाते हो वैसे बन जाता है, तो ये आपकी सारी जितनी भी कुजीन है उसका पार्ट बन सकता है। अभी जैसे डॉक्टर साहब ने हमें कहा कि लो कोलेस्ट्रॉल और लो फैट्स के अंदर ये रैबिट मीट पाया जाता है, इसमें सोडियम की मकदार बिल्कुल ना होने के बराबर है, ये हम पे डिपेंड करता है कि हमने हेल्दी मीट के ऊपर जाना है या हमने अपनी ज़बान के चस्के के ऊपर जाना है। किसी एक विलेज को हम एज ए रोल मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं और उनको हम ये प्रोवाइड कर सकते हैं कि लोग चार चार मुर्गियाँ भी पालते हैं, तो उनकी जगह पे अगर वो ये रैबिट पालें और फिर उसकी बाई प्रोडक्ट्स की भी बात की जा सकती है, उसके मीट की वहीं पर वो पका के खिलाया जाए। यूट्यूब के ज़रिए, बाकी मुख्तलिफ वर्किंग के ज़रिए हमने बैर से इम्पोर्ट किए हैं रैबिट, और फिर ऐसे ऐसा जहाँ जहाँ से हमें ब्रीड मिलती रही हम लेते रहे हैं, उसको बढ़ाते रहे हैं, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तकरीबन कोई 5,000 रैबिट मौजूद है। आज हमारे साथ मौजूद है यासीन चौधरी साहब, जो डिस्कवर चिकवाल के नाम से इनका एक यूट्यूब चैनल भी है। सबसे पहले बताया कि ये जो रैबिट फार्म का टूरिज्म है, दुनिया में क्या इसका पोटेंशियल है और पाकिस्तान में आप इसको किस तरह देख रहे हैं? जी थैंक यू वेरी मच जी, आपका बहुत शुक्रिया जी, डिस्कवर पाकिस्तान का शुक्रिया कि आप लोग चिकवाल आए। सक्सेस स्टोरीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, जिसमें अगर हम बात करें बटेर फार्मिंग की, तो 1980 की दहाई में ये शुरू हुआ था
लाहौर से, और हम 1985-90 में हमने खुद इसकी फार्मिंग जो है वो अच्छी सतह पर की। फिर चकवाल में आके, और चकवाल में बल्कि पाकिस्तान में जो पहला बटेर होटल था वो 1997 में हमने स्टार्ट किया, और सिर्फ बटेर होता था, और बड़ा वो कामयाब रहा 20 साल। तो इसमें जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है उन्होंने भी इसी टूरिज्म में, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म में भी, और एक CBCs का एक कंसेप्ट आया है जिसमें वो अड़ियाल के ऊपर और तीतर के ऊपर उन्होंने लोकल जो कम्युनिटी है उसको इन्वॉल्व करके उन्होंने उस पर काम करना शुरू किया है। तो इसी तरह अगर हम इसको रैबिट को करें तो रैबिट की टूरिज्म, अगर आप रैबिट पार्क का अगर एक आइडिया हम जनरेट करें तो रैबिट पार्क ऑलरेडी दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं, और मलेशिया में और जापान में ये अच्छी वहाँ पर भी ये सक्सेस स्टोरीज हैं। तो इसको अगर पाकिस्तान में भी डेवलप किया जाए तो ये वो टाइम है इस वक्त, जिस वक्त के बहुत सी नई चीज़ें नए लोग एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं और उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर करना चाह रहे हैं। तो हम अगर इस तरह एक गांव को हम किसी जगह सेलेक्ट करें और वहां पे हम रैबिट को एस्टैब्लिश करें तो रैबिट फार्मिंग में, इसके रैबिट टूरिज्म रादर कह लें, तो उसमें इसकी बहुत सारी जहतें निकलती हैं। अभी आपने जो गांव की बात की तो रैबिट टूरिज्म गांव का जो आप अभी क्या कंसेप्ट क्या है, ये किस तरह इसको किया जा सकता है पाकिस्तान? अच्छा, उसमें ऐसे है कि जैसे आप देखें ना, गाँव में आजकल लाइफ स्टॉक, या जिस तरह हमारे अगर आप पोठोहार के गाँव या चकवाल के गाँव का जिक्र करें, हमें तो 15 साल बाकायदा हो गए हैं, चकवाल को ही ज़रा प्रमोट कर रहे हैं हम, हमारे एक यूट्यूब चैनल भी है डिस्कवर चकवाल के वाले से। मलेशिया और जापान में ऑलरेडी रैबिट पार्क डेवलप किए गए हैं, जिनके बीच में बाकायदा टिकट्स भी लगाई गई हैं, और बहुत अच्छा सोर्स है वहाँ पे वो इनकम का, बल्कि अगर उसको आप सर्च करें तो हैरतअंगेज तौर पर बड़े अच्छे कमर्शियल मॉडल्स हैं। तो वहाँ पर ये जो रैबिट्स हैं, इनके हट्स बनाए गए हैं छोटे छोटे, और बड़ी अच्छी लैंडस्केप डेवलप की गई हैं, और इतनी अट्रैक्शन है, खासतौर पर जो फैमिलीज अट्रैक्शन हैं वो वहाँ पे लोगों की बहुत कसीर तादाद है। तो सेम मॉडल को भी अगर हम चाहें तो किसी एक विलेज को हम एज ए रोल मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं, और उनको हम ये प्रोवाइड कर सकते हैं कि लोग चार चार मुर्गियाँ भी पालते हैं, तो उनकी जगह पे अगर वो ये रैबिट पालें और फिर उसकी बाई प्रोडक्ट्स की भी बात की जा सकती है, उसके मीट की वहीं पर वो पका के खिलाया जाए। तो जैसे मैंने कहा कि हमसे कई लोग इस वक्त बैरून ममालिक से भी जो पाकिस्तानी वहाँ चले गए हैं, उसके अलावा कई पाकिस्तान में कराची से, बड़े शहरों से लोग अक्सर कॉन्टैक्ट करते हैं कि हम एक रात विलेज लाइफ गुजारना चाहते हैं, वहीं पर हम रहें, उस कमरे में रहें, उसी की रोटी खाएँ। तो उन चीज़ों की लोगों को इस वक्त एक बहुत बड़ी एक डिमांड है, बिल्कुल जैसे मैंने कहा कि COVID-19 के बाद लोग एकदम जो है वो नेचर की तरफ बड़ी तेज़ी से अट्रैक्ट हुए हैं। तो इसमें एक चीज़ जो और आ जाती है, जैसे कि जिक्र हुआ था वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का, तो हम जो मार्खोर और पूरी दुनिया में, एक पाकिस्तान भी उसमें आ गया, पूरी दुनिया में हंटिंग, एक जो लीगल हंटिंग है जी, उसको प्रमोट किया जा रहा है। अड़ियाल और मार्खोर की तरह अगर हम रैबिट की हंटिंग कराई जाए, या जैसे पॉटरीज की, फेजेंट की हंटिंग हो रही है, तो इस तरह अगर इसकी वाइल्ड हंटिंग कराई जाए तो ये भी बहुत जबरदस्त, बहुत अमेजिंग आइडिया है। भेड़ों के फार्म पे जाएं तो वहीं पे उन्होंने भेड़ों की वो ऊन उतार रहे होते हैं, वहीं पे उन्होंने खड्डियाँ लगाई होती हैं, वहीं उसका जो सारा थ्रेडिंग हो रही है, वहीं पे उसका एक डिस्प्ले लगा होता है वहाँ पे, कि जहाँ पे उसके सारे कपड़े, उसकी शाल्स, हर चीज़ अवेलेबल होती है। तो इसका मैं समझता हूँ कि जैसा रैबिट भी एक वूल प्रोड्यूसिंग एनिमल है, तो इसको वूल के हवाले से अगर हम बात करें, इसमें कितना पोटेंशियल है वूल के हवाले से? रैबिट वूल अगर देखें ना जी, तो पूरी दुनिया में इस वक्त रैबिट की जो वूल है, ये आप पहले तो ये देखें कितनी मुलायम और माशाल्लाह ये खूबसूरत चीज़ है, अल्लाह ताला का एक बड़ा, अभी देखें बाल उतर रहे हैं। हाँ जी, वूल इसकी अभी भी उतर रही है। तो दुनिया में जो वूल का 90% का जो प्रोड्यूसर है वो चाइना है। इस वक्त चाइना में जो वूल के लिए, जो पूरी दुनिया में अंगोरा रैबिट जो यूज़ होता है, इस वक्त अंगोरा रैबिट की चाइना में 5 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन आज एग्जिस्ट करती है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कितनी बड़ी इंडस्ट्री होगी, बहुत बड़ी। और फिर इसकी वूल की जो क्वालिटी है, वो कहा जाता है कि सबसे लाइट वेट वूल ये है और सबसे ज़्यादा गर्म। तो ख़ास तौर पर वो लोग जो इस वेट कॉन्शियस हैं, और हम आमतौर पर लैम्ब वूल पर जाते हैं, आप उसका भी देख लेंगे, उसका एक स्वेटर जो है वो आज पाकिस्तान में 15,000 के राउंड कॉस्ट करता है आपको प्योर। तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी और ये कितना, इसमें मुझे मेरा ख्याल जैसा हमें फार्मर को अगर इसको कमर्शियली एस्पेक्ट से देखें तो रैबिट वूल जो है इसकी, अभी इसको साल में कितनी दफ़ा ली जा सकती है, पर के जी क्या रेट इसका मिल रहा है, इसके ऊपर थोड़ा सा गाइड करें। इसकी जो है ना चाइना में, तो जी इसको 4 दफ़ा साल में वो लोग ले रहे हैं, क्योंकि वो तो बड़े ज़बरदस्त एक एज ए मॉडल हर चीज़ को टेक ओवर करती हैं, वो इस तरीके से कर रहे हैं। लेकिन आप ऑन द सेफर साइड अगर पाकिस्तान में आप करें तो आप इसको 3 दफ़ा सालाना इसकी वूल बड़े आराम से। तो क्या प्रोडक्शन 1 kg तक? जी 1 kg इसकी एक साल में तकरीबन ये 1 kg को टच कर जाती है, और इस वक्त पाकिस्तान में, बाहर तो इसकी डॉलर में प्राइस बहुत ज़्यादा है, $15 से भी ऊपर जाती है। बिल्कुल सही। लेकिन पाकिस्तान में इसकी प्राइस इस वक्त 5 से 6 हज़ार पर kg चल रही है। और आप ये देखें ना, वूल वो बाय प्रोडक्ट है
जिसके ऊपर कुछ लग नहीं रहा, असल तो गोश्त और बाकी चीजें, तो ये तो आप उस बेचारे के ऊपर से समझेंगे मुफ्त में हासिल करें। अभी अगर हम वैल्यू एडिशन की बात करें, कौन कौन सी प्रोडक्ट इसकी बना के इसको हम प्रोसेस्ड फूड में लेके जा सकते हैं, जो इसी तरह का जैसा टूरिज्म विलेज आप कह रहे हैं वहाँ से हम दुनिया को मुतारफ करा सकते हैं। जब भी रैबिट को आप टेस्ट करते हैं तो आपके टेस्ट बर्ड्स जो हैं वो इतने इसके साथ कोरिलेट करते हैं कि आपको लगता है कि शायद आपने कोई देसी मुर्गे से भी कोई अच्छी चीज़ खाई है, बशर्ते कि आपने अच्छा पकाया हो, जो बुनियादी बात है। बिल्कुल, तो उसमें ये है कि इसकी वैल्यूडेशन अगर आप उसको देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि फिश भी और चिकन भी, उसके इन बिटवीन, कहीं मीट तो खैर एक अलहदा चीज़ है, लेकिन उसके इन बिटवीन अगर आप कोई बेस्ट चीज़ अगर चाहें तो इससे आप हर चीज़ बना सकते हैं। इसके नगट्स बना सकते हैं, इसके इवन कीमा आप इसका बड़ा यूज़ कर सकते हैं, और इसी तरह इसके वो जो मीट स्लाइसेस हमें चाहिए होते हैं मुख्तलिफ चीज़ें बनाने में, तो मेरे ख्याल के मुताबिक इसके टेस्ट और इसके जो गोश्त वॉल्यूम है, यानी अगर आप देखें ना 3-4 kg का अगर एक कोई भी एनिमल है तो आप उसका जो गोश्त वॉल्यूम है, उसकी थाइज होगी, उधर से हर चीज़ से आप खाने की नगट्स कह लें जो चाहें आपको, वो ये इसमें बनाने में काफ़ी आसानी मुयसर। अगर इसको आपने प्रॉपर फार्मिंग की हुई है तो इसका सारा वेस्ट एक आप बिल्कुल एक वो छोटी सी एक ड्रेन सी बनाकर उसमें से आप इसको आगे आप किसी जगह पर कोई होल बना लें अपने किसी एरिए में, और वहाँ पे आप इसको इकट्ठा करें और फिर इसके बाद आप इसको डिस्पोज ऑफ करें एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। तो दुनिया में ये कहा जाता है कि जो इसकी वेस्ट है, जिसको हम मैंगनी कहते हैं, गाय की सूरत में तो गोबर होता है, उसकी जो मैंगनी है वो ये है कि सबसे अच्छी जो फर्टिलाइज़र के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें सब जानवरों की निस्बत कहा जाता है कि इसकी खाद में सबसे कम स्मेल होती है, बल्कि बाज़ लोग कहते हैं कि इसमें स्मेल होती ही नहीं है इसकी खाद में। तो ये दोनों एक ऐसी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें हैं किसान के लिए कि वो यकीनन उनके लिए बाकी चीज़ों से इसमें इनफरादियत आ जाती है। सर थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। किस तरह हम एक रैबिट का एक पूरा टूरिज्म का विलेज इन्होंने कहा हम बना सकते हैं, इसमें जो शहर के लोग आएंगे रैबिट के मीट को वहाँ पे और टेस्ट करेंगे, इसकी प्रोडक्ट लेके जाएंगे, रैबिट वूल की बनी हुई चीज़ों को वहाँ पे देखेंगे और वो भी लेके जाएंगे, उसके साथ इसकी वेस्ट की भी जो कंपोस्ट है उसको भी कमर्शियल लिया जा सकता है। ये भी हम मौजूद हैं जी चकवाल में, और एडी फार्म्स के जो मैनेजर हैं ग्लैमर सूद साहब वो हमारे साथ हैं। ये दावा करते हैं कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा रैबिट फार्म इनके पास जहाँ पे जो है ना इन्होंने बनाया हुआ है, तो ये बताइए कि एडी साहब जो हैं कि कितनी लैंड है यहाँ पे उनके पास और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे फार्म प्रैक्टिस कर रहे हैं। जी हमारे पास अभी कुछ 1400 कनाल जगह हैं यहाँ, ठीक है, और पहले हमारा एक पोल्ट्री का है सेटअप है, उसके बाद डेयरी का है, फिर उसके बाद हमारा रैबिट का है, बिल्कुल ऑलिव का है माशाल्लाह, बिल्कुल ये 4 सेटअप है हमारे बड़े यहाँ एडी फार्म पे, 4 सेटअप है, 4 सेटअप बड़े हैं माशाल्लाह। तो ग्लैमर सूद साहब ये बताइए कि ये जो रैबिट फार्म का ये आइडिया कहाँ से आया और कब शुरू किया गया? ये सर ये आइडिया सर हमारा शुरू से, हमने 200 पेड़ देसी रखे थे, ठीक, और ये कब की बात है? ये सन 2018 की बात है, ठीक, और उसको तकरीबन हमने 1 साल चलाया, उसमें मुनाफा इतना ज़्यादा नहीं होता था, कम होता था, तो फिर हम इसको आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाते गए YouTube के ज़रिए, बाकी मुख्तलिफ वर्किंग के ज़रिए हमने बैर से इम्पोर्ट किए हैं रैबिट, ठीक, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जहाँ जहाँ से हमें ब्रीड मिलती रही हम लेते रहे हैं, उसको बढ़ाते रहे हैं, बिल्कुल ठीक। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तकरीबन कोई 5000 रैबिट मौजूद है, बिल्कुल बेहतरीन। तो ये कितना आपका रैबिट फार्म का टोटल कवर्ड एरिया कितना है? ये टोटल हमारा एरिया जो है तकरीबन कोई 3 कनाल का है अभी, जो रैबिट फार्म जी रैबिट फार्म का है। बेहतरीन। जो इसको फीड देते हैं वो कहाँ से आप लेते हैं, बाहर से करते हैं या खुद बनाते हैं? नहीं वो हमारा अपना होता है, अल्फा अल्फा होता है लोसन के नाम से है, ठीक है, तो हम अपना ही काश करते हैं, अपना ही वो देते हैं, अल्फा अल्फा आपने लगाया वो अपना जी। उसके अलावा फीड वगैरह अगर सर्दी हो तो फिर थोड़ी सी एनर्जी उनको ज़्यादा देनी पड़ती है, फिर साथ साथ फीड भी इस्तेमाल कर लेते हैं। बेहतरीन। आपका जो रैबिट फार्म है ये प्रॉफिट में जा रहा है, तो कितना पर मंथ की आपकी क्या इनकम आ रही है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तकरीबन 5-7 लाख तक तकरीबन मंथली इनकम हो जाती है, ठीक, और सालाना जो है सालाना तकरीबन कोई 61 लाख तक हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह इस जैसा हमारा फार्म आपको यहाँ चकवाल के एरिया में कहीं नहीं मिलेगा, बिल्कुल ठीक, और माशाल्लाह ये सबसे बड़ा सेटअप है। तो फार्मर के लिए आप क्या एडवाइस करेंगे? फार्मर के लिए हम एडवाइस करेंगे कि वो इंशाल्लाह छोटे सेटअप से स्टार्ट करें इंशाल्लाह, और ऐसा ऐसा उसको बढ़ाते जाएं, और साथ साथ ये उनका इनकम का ज़रिया भी है, मीट का ज़रिया भी है, अपना घर के लिए जितना को गोश्त वगैरह इस्तेमाल करते हैं उनका अपना भी हो सकता है, बैर भी सेल कर सकते हैं।
और बहुत प्रॉफिट वाला बिजनेस है और इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप बाकी काम भी कर सकते हैं, शाम के टाइम उसको देख सकते हैं, सुबह के टाइम बच्चे भी इसको घर आराम से जिनके इसको चला सकते हैं, इतना मसले वाला काम नहीं है। हमारे जो फार्मर हैं जी, उनके पास फसलों की बाकियात हैं, सब्जियों की बाकियात हैं, टाइम है, जगह है, तो मेरा ख्याल इस तरह के छोटे छोटे आइडियाज़ पे काम करके हमारा फार्मर जो है अपने फार्म की इनकम को बढ़ा सकता है। मीट के हवाले से जो सबसे ज़्यादा अच्छा है वो न्यूजीलैंड वाइट है, ये हर मौसम में सर्वाइव कर जाता है और वेट जल्दी गेन कर जाता है। डी रैपिड फार्म पे मेरे साथ अभी मौजूद है मोहम्मद शुएब साहब, जो यहाँ पे एज ए वेटनरी डॉक्टर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि हम हमारे जो नाज़रीन हैं, हमारे जो किसान हैं, उनको रैपिड फार्मिंग के बारे में आज की वीडियो जो है उस पर बताएं प्रोग्राम में कि इसको किस तरह का इन्वायरमेंट दरकार होता है रैपिड फार्मिंग के हवाले से। ये चूँकि देसी रैबिट से अलग है तो इसके लिए प्रॉपर मैनेजमेंट जो है ना वो ज़रूरी है। ठीक, जो हमारे पास ब्रीड्स हैं उसके लिए जो मिनिमम टेम्परेचर है सर्दियों में आप कह लें कि 10 तक इसे दिया जाता है, और जो मैक्सिमम है जो सूटेबल है वो 28 तक है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इससे आप अबव जाएंगे तो फिर इनके मसाइल हैं, इनके रिप्रोडक्शन के मसाइल हैं, इनके स्किन के मसाइल हैं, तो वो बहुत सारे मसाइल आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक, लेकिन ये है कि आप इसे कहीं भी किसी भी तरीके से आसानी से रख सकते हैं रूम टेम्परेचर में। बिल्कुल सर, जैसा हमारा कुछ एरिया सिंध का लाल है, सिद्धि जैकबाबाद, यहाँ पे टेम्परेचर 50 डिग्री चला जाता है। ठीक है, उसको छोड़ के जो पूरे पाकिस्तान में इसको बड़े आराम से ग्रो किया जा सकता है। हाँ, वहाँ पे भी पाला जा सकता है इसको। जी बिल्कुल, ऐसी है, वहाँ पे भी कुछ ब्रीड ऐसी हैं जैसे न्यूजीलैंड वाइट है, तो ये काफ़ी हद तक गर्म इलाके में भी सर्वाइव कर सकती है। बिल्कुल ठीक, तो उस एरियाज में भी ये लोग पाल सकते हैं। बिल्कुल ठीक, अगर हम खरगोश का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो क्या है, पहले स्टार्ट में कौन कौन से इसका केज बनाने में, इसका शेड किस तरह का होगा, इसकी थोड़ी सी रहनुमाई फरमा दें। अगर कमर्शियल आप करना चाह रहे हैं तो फिर इस तरह का सेटअप बहुत ज़रूरी है। उसके लिए ये है कि जितना वेस्ट मटीरियल है वो एक रो में जाके जमा हो जाता है, जैसे यहाँ पे इसने करना है वो नाली में जाके जमा हो जाएगा, वहाँ से फिर सफाई हो जाएगी। बिल्कुल ठीक, अगर आप छोटे लेवल पे करना चाह रहे हैं तो वो अलग डिज़ाइन के बने हुए हैं केजीज और उनके स्टैंड पूरे, उसके नीचे ट्रे होती है, उस ट्रे में वो सारे दिन का वेस्ट जो है वो जमा होता रहता है, आप वो शाम को निकाल के बाहर फेंक सकते हैं। बिल्कुल ठीक, तो उस डिज़ाइन के भी केज आपको मिल जाएंगे, ये इजीली मिल जाते हैं, जैसे बर्ड्स के केज हैं उसमें भी आप इसे रख सकते हैं। अगर किसी ने मज़ीद अच्छा डिज़ाइन करना है तो वो यूट्यूब से भी कहीं से भी देख सकते हैं। बिल्कुल ठीक, कितने से शुरू करेगा, कॉस्ट कितनी आएगी, ये थोड़ा सा गाइड कर दें। इसमें ये है कि अगर तो कोई जानता है पहले तो उसके लिए तो इशू नहीं है। बिल्कुल, जैसे मैं नया हूँ या आप नए बंदे हैं, आप अगर लेके जाते हैं तो आपको इनिशियल स्टेज पे हम ये रिकमेंड करेंगे कि आप 5 पेयर से शुरू करें। ठीक, तो 5 मादियाँ और 5 नर। ठीक है, 10 पीस बन जाएंगे आपके। बिल्कुल ठीक, तो उसके लिए जो नया फार्मर है उसे आसानी हो जाती है उसे पालने के हिसाब से, उसे उसकी बीमारियों का, उसके रहन सहन का, उसकी खुराक का आइडिया हो जाता है। ठीक, और जिससे वो इजीली उसे रैबिट की समझ आ जाती है। बिल्कुल, तो फिर वो बेशक बड़े कमर्शियल सेटअप पे भी जा सकता है, लेकिन ये है कि इनिशियल स्टेज पे आप 5 पेयर से ज़रूर। तो कितने के 5 पेयर हमारा फार्मर जो है ले सकता है, उसकी कितनी इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट होगी? मैं अपनी बात करूँ तो हम लोग दे देते हैं 30,000 का। और केज वगैरह डाल के वो कितने का पूरा सेटअप बन जाएगा? अगर उसने केज में रखना है तो उसका हो जाएगा 50,000 तक टोटल उसकी इन्वेस्टमेंट है मैक्सिमम। तो कौन कौन सी फीड इसकी जो है इसको आप देते हैं? ज़्यादातर लोग जो है वो कमर्शियल फीड की तरफ जाते हैं। ठीक, कि उससे रैबिट एक तो जल्दी ग्रो कर जाता है, वेट जल्दी गेन कर जाता है, लेकिन हम लोग जो है कमर्शियल कर रहे हैं और साथ लैंड भी है, ज़रूरी ज़मीन भी है, तो हमारी कोशिश है कि हम इसे सब्ज़ चारे के तौर पर ले कर चलें, इसे नेचुरल जो खुराक है वो दी जाए, तो हम लोग इसे दे रहे हैं अल्फा अल्फा जिसे लूसन बोलते हैं। बिल्कुल ठीक, तो उसमें रेशो ये है कि आप ये लगा लें कि एक रैबिट जो है
वो डेली का कोई तकरीबन 1 kg तक खा जाता है। बिल्कुल ठीक ठीक है। इसी तरह अगर आप फीड पे जाएंगे तो फीड पे रेशो बढ़ती रहती है, जैसे स्टेप बाय स्टेप बच्चा जवान होता है, तो ये 50 ग्राम से शुरू होती है तो फिर 150-200 ग्राम तक भी चली जाती है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, जो इसकी जो ब्रीड आगे बच्चे पैदा करने की सलाहियत पे किस तरह का ज़्यादा इफेक्ट आता है, जो चारा खाने में या ग्रेन्स खाने में, किस तरह इसकी एफिकेसी को बढ़ाया जा सकता है? अब इसमें ये है कि ग्रीन फॉडर में जो रैबिट है जो हम केज में रखते हैं तो इसकी ग्रोथ थोड़ी स्लो है। ठीक। यानी कि जो कमर्शियल फीड पे पलता है, जो काफ स्टार्टर हम देते हैं इनको, तो उसने जवान हो जाना है जी 5 महीने में। ठीक। जो ग्रीन फॉडर पे जाएगा वो 6 महीने भी लगा सकता है, 6.5 महीने भी लगा सकता है। बिल्कुल सही। वो अपने पीक पे पहुंच जाएगा। बिल्कुल सही। तो इसमें ये है कि फीड को आप अगर एडजस्ट करते हैं, समझते हैं कि दोनों को साइमल्टेनियसली चलाना चाहिए, फीड को भी और साथ में सब चारे को भी। बिल्कुल ठीक। लेकिन अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, कास्ट को कम करना चाहते हैं, तो फिर आपको सब्ज़ चारे पे आना पड़ता है। कितनी देर में जो एक बच्चा पैदा होने के बाद अडल्ट होता है, फिर आगे ब्रीड देने के लिए काबिल हो जाता है फार्मर को? बच्चा जो है अडल्ट हो जाता है तकरीबन 3.5 महीने में। ठीक। लेकिन मैटर करता है उसका वेट कि उसका वज़न कितना है। 3.5 महीने में वो अडल्ट तो हो जाएगा, 2 किलो का 2.5 किलो का हो जाएगा, लेकिन जो रिकमेंड है कि ये कम से कम 3 किलो का हो, तो फिर जाके आप इसे क्रॉस करवाएं या इससे ब्रीड लें। ठीक। उससे ये होता है कि जो उसकी अगली जनरेशन आती है वो भी वेट जल्दी गेन कर जाती है। बिल्कुल सही। पाकिस्तान अभी तक कितनी ब्रीड्स हैं जो सक्सेसफुल कामयाब हैं यहाँ पर? जो कामयाब हैं 7 से 8 हैं। ठीक है जी। जिनकी प्रोडक्शन भी आप ले सकते हैं, जिनसे वूल भी आप ले सकते हैं। ज़्यादातर जो है ना वो अंगूरा एक नस्ल है, उसकी वूल सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद बाकी नस्लें आ जाती हैं स्टेप बाय स्टेप। और मीट के हवाले से? मीट के हवाले से जो सबसे ज़्यादा अच्छा है वो न्यूजीलैंड वाइट है, ये वाला जो पड़ा हुआ। हाँ, जो हमारे पास पड़ा हुआ। इसकी वजह ये है कि ये हर मौसम में सर्वाइव कर जाता है हर जगह पर, और वेट जल्दी गेन कर जाता है। इसकी सालाना कितनी कैपेसिटी, एक साल में कितने बच्चे इसकी फीमेल पैदा करती है? वैसे तो इसने बच्चे हर महीने देने होते हैं, तो अगर आप टाइम मैनेज कर लेते हैं तो बेहतर ये है कि इससे सालाना 7 क्लच लिए जाते हैं। 7 क्लच। और एक क्लच में कितने बेबीज बॉर्न होते हैं? आप एवरेज लगा लें कि एक क्लच में 6 से 7। ठीक। वरना मैक्सिमम 14 तक भी जाते हैं, 12 तक भी जाते हैं। 50 तक बच्चे सालाना आप एक रैबिट से, एक पेयर से ले सकते हैं? हाँ, अगर क्लच अच्छा है, 8 से 10 के रेशो से आ रहा है, तो फिर इतने हो जाएंगे, वरना मिनिमम जो है वो आप 35 तक और मैक्सिमम 50 तक। मैक्सिमम 50 तक। बिल्कुल ठीक। इसकी जो वैरायटीज आपके पास यहाँ पे फार्म पे मौजूद हैं, हम उसको थोड़ा इंट्रोड्यूस कराएं। तो इसकी सबसे पहले न्यूजीलैंड वाइट से शुरू करें, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जिससे इसको पहचाना जा सके ये न्यूजीलैंड वाइट है? न्यूजीलैंड वाइट जैसे नाम से ही जाहिर है कि ये वाइट ही होगा, वाइट होता है। दूसरा प्रॉपर्टीज़ ये है कि इसकी स्किन देखी जाती है, और इसके कान कितने साइज़ के हैं, और बाकी बस यही है, और आँखें जो हैं वो रेड होती हैं। आँखें इसकी रेड होती हैं? रेड होती हैं। बिल्कुल ठीक। ये है जी हमारे पास कैलिफोर्निया। ठीक। ये भी स्पेसिफिकली कि इसकी मुंह, कान, पाँव और दुम जो है ये ब्लैक होते हैं। ठीक। और बाकी ये न्यूजीलैंड वाइट की तरह जो है ना वाइट होता है। ये है जी हमारे पास फ्लेमिश। ठीक। इसमें कलर डिफरेंट, इनके 3-4 कलर होते हैं, डार्क ब्राउन, सिल्वर, ब्लैक। तो ज़्यादातर इसे लोग पहचानते हैं जो जंगली खरगोश है। जी जी। तो उस इसका कलर भी कलर उसी तरह उसके साथ उसी तरह होता है। तो ये फ्लेमिश में है जी हमारे पास। और ये भी मीट के लिए? ये भी मीट के लिए है। कैलिफोर्निया कितना वज़न हो जाता है इसका? ये भी न्यूजीलैंड वाइट की तरह ही इसका वज़न है, 4.5 kg तक। इसी तरह जो कैलिफोर्निया दिखाई है वो भी, उसका वज़न भी इतना ही है। ये भी आ जाता है जी ब्लैक में, फ्लेमिश में। ये पूरा ब्लैक है? ब्लैक है। जैसे मैं आपको बता रहा था कि सिल्वर कलर में भी है, ब्लैक में भी है, और ब्राउन में भी है। ठीक है। तो ये भी इसकी निशानी क्या है? इसके माउथ से इसका पता चलता है, मुंह से कौन सी वैरायटी है? नहीं, मुंह से नहीं, इनके फ्लेमिश का कलर से आइडिया हो जाता है। ठीक है जी। इनके डिफरेंट कलर हैं। एक फ्लेमिश जॉइंट भी हो जाता है, एक सिंपल फ्लेमिश है। फ्लेमिश जॉइंट का वज़न जो है पाकिस्तान में जो ब्रीड है उसका 8 से 10 kg तक है। ये है जी हॉलैंड लूप। ठीक है। इसके कान,
नीचे को होते हैं, नीचे होते हैं, और उसके अलावा इसकी आंखें ब्लू में भी होती हैं, ब्लैक में भी होती हैं। अच्छा, ब्लू आंखें होती हैं। हाँ जी। तो इसको लोग क्या मीट के लिए यूज़ करते हैं या इसको एज ए पेट के तौर पे इसको रखते हैं, किस तरह? ये ज़्यादातर पेट के तौर पे इस्तेमाल होता है। ठीक, तो ये कमर्शियल फार्मिंग में नहीं आता? ये कमर्शियल में ये है कि लोग अगर अपना इनकम को देखें, कास्ट को मैनेज करना चाहें, तो कुछ लोग फैंसी ब्रीड रख लेते हैं। जैसे अब न्यूजीलैंड वाइट है तो ये तो जाएगा 5 या 6 हज़ार का जोड़ा। जो ये फैंसी ब्रीड्स हैं जो लोग पेट्स के तौर पे लेते हैं, ये आप 20 हज़ार का 30 हज़ार का जोड़ा बेच सकते हैं, जिससे आपकी कास्ट मैनेज हो जाती है। कमर्शियल सेटअप में 3-4 वैरायटीज़ ऐसी होती हैं जो आपको आपकी कास्ट को मैनेज कर रही होती हैं, तो वो फैंसीज में आ जाती हैं। ये सर अमेरिकन हटोट है जी। इसके कान बिल्कुल छोटे छोटे, कान बिल्कुल छोटे होते हैं, आँख ब्लैक होती है, और वेट जो है, अब ये हमारे पास जो पड़ा है ये ब्रीडर है फुल। ठीक, ठीक। इसका मैक्सिमम वेट ही 1 किलो तक, मतलब ये सबसे बड़ा यही है? हाँ जी, सबसे बड़ा यही है। और ये भी ऑर्नामेंटल यानी पेट में आता है? ये भी, हाँ ये भी पेट में ही आता है। बिल्कुल। ये है जी हमारे पास नीदरलैंड ड्वार्फ। ठीक। जिसे कैलिफोर्निया से भी मुशाबत दी जाती है कि कैलिफोर्निया नस्ल भी इसी तरह की होती है। इसका भी मुँह, कान, दुम, पाँव ये ब्लैक होते हैं। बिल्कुल ठीक। तो ये भी पेट में ही आ जाता है जी। ये है जी हमारे पास टेडी बेयर। ठीक। इसको ज़्यादातर इंग्लिश अंगूरा की तरह लोग समझते हैं कि ये इंग्लिश अंगूरा है, बिल्कुल अंगूरा तो की तरह। बाल उसके भी इसी तरह होते हैं। तो ये है टेडी बेयर ब्लू आइज़ में, इसकी आँखें थोड़ी थोड़ी नीली हैं जी। ये है जी माशाल्लाह से जैकेट जॉइंट। ठीक। ये भी एज ए पेट के तौर पर लोग लेके जाते हैं, शौकीन लोग जो होते हैं। इसका स्ट्रक्चर, इसका डिज़ाइन माशाल्लाह बहुत प्यारा है। ये मैक्सिमम हमारे पास इसका वज़न जो है वो 6 किलो तक है। बेहतरीन, ये 6 किलो तक, 6 किलो तक है। थैंक यू भाई, डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। हम तकरीबन 24 किलोग्राम सालाना गोश्त ऑन एवरेज खाते हैं। इसको प्रमोट करके पाकिस्तान में हम अपनी रूरल डेवलपमेंट को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारा जो फार्मर है वो इसकी टूरिज्म से भी पैसे कमाना सीख रहा है। अब शहर के लोगों के ऊपर ये बहुत बड़ा फ़र्ज़ बनता है कि वो गाँव के लोगों से जुड़े, उनका हाथ पकड़े और इस रैबिट मीट को इस्तेमाल भी करें, क्योंकि हमने हेल्दी मीट भी पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराना है। उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम में हमने जो मालूमात आपको दी हैं वो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल साबित हुई होंगी। मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट तारक तमीर को दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए किसान का पाकिस्तान, सिर्फ डिस्कवर पाकिस्तान।